हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है के एल और मोनिका, कविता, लीना और मोनिका तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 1:1:3। हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 72, कविता, लीना और मोनिका, और रेशो जो गिवन है, आगे कहता है क्वेश्चन में कंटिन्यू में, देयर कैपिटल अकाउंट शो द फॉलोइंग बैलेंस। इसका कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपको, कविता का दे रखा है 70,000, तो यहां पे जो डाइड है, डेथ किसका हुआ यहाँ पे, कविता का, तो मुझे कविता का बस बैलेंस बीडी चाहिए होगा, बाय बैलेंस, और ये अमाउंट दे रखा है हमें 70,000, 70,000 रुपए इसका बैलेंस गिवन है। हालांकि यहाँ पे तीनों का बैलेंस गिवन है, तीनों के बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, जो पार्टनर डेथ हो रहा है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट लेके चलेंगे। आगे कहता है फर्म क्लोज अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च, कविता डाइड ऑन 30 सितंबर। तो अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, ये पूरा साल है, 1/4, 31/3, और ये 1/4 कौन सा ईयर होगा, तो 1 अप्रैल 2011। इसने कहा कि कविता जो डेथ है 30 सितंबर, यानी मिड में। आगे कहता है कंटिन्यू क्वेश्चन में, क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च, कविता डाइड ऑन 30 सितंबर 2012, इन द इवेंट ऑफ डेथ एनी पार्टनर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। अगर कोई पार्टनर डेथ होता है तो उसे क्या क्या मिलेगा, वो क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं यहीं पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 पे कितने परसेंट है, और टाइम फैक्टर होगा नहीं होगा, तो 6/12 2100। इसके बाद आगे देखें तो कहता है डिसीज पार्टनर शेयर गुडविल फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला जाएगा, द प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर 90, 1 और 1:10, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000, 1 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी 1 लाख, एंड गुडविल इज इक्वल टू इनटू में 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में से इसका शेयर निकाल लेंगे, कविता का 2 लाख मल्टीप्लाई, कविता का शेयर क्या है यहां पे, 1/40,000 पेमेंट करने के लिए तैयार होगा एल और एम, किस रेशो में, गेनिंग, तो न्यू रेशो नहीं दे रखा, तो गेनिंग रेशो भी क्या आ जाएगा, तो 40,000 रुपए हम पेड कर देते हैं बाय एल्स कैपिटल और बाय एम्स कैपिटल 10,000, 30,000। अभी नोटिंग मत करना, पहले देख लो, जिसने कर रखा है वो भी समझ लो आप। आगे कहता है क्वेश्चन के अंदर, ए एडजस्टमेंट हो गया, बी एडजस्टमेंट हो गया, सी एडजस्टमेंट, हर शेयर ऑफ रिजर्व फंड विल बी पेड, रिजर्व ऑफ द फर्म आपका 60,000, बोलता है इसका शेयर फर्म का रिजर्व भी दिया जाएगा और रिजर्व 60,000 है, तो बाय रिजर्व 12,000 कैसे आया, आगे देखते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन में और क्या बोलता है। कहता है हर शेयर प्रॉफिट टिल द डेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो इसके अंदर क्या कहता है, कहता है इसके हिस्से का प्रॉफिट निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स,
इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द 11-12 हमारा 2 लाख एंड सेल्स 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, यानी यहां से यहां तक का सेल्स दे देता है, और इससे पिछले वाला साल होगा ना वो 11-12, तो आप 11-12 है 10-11 है, ये 12-13 होगा, ये 12-13 होगा, और लास्ट ईयर हो गया 11 और 12। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है इस साल का सेल्स पिछले साल का सेल्स भी बता रहा है, कितने का है 20 लाख, और यहां तक का सेल्स भी आपको बता दिया था, सेल्स 1 अप्रैल 30 सितंबर 4 लाख, द प्रॉफिट 2 लाख, यहां तक का सेल्स है हमारे पास, और इस साल का ये तो सेल्स था और इस साल का प्रॉफिट। अब पता है जीपी रेशो क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 20 लाख, 10%। ये देखो लास्ट क्लास में कर चुके हम कैसे प्रॉफिट निकाला जाए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा किसका, केस शेयर 40,000 मल्टीप्लाई 4 लाख है ना, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 बाय और मल्टीप्लाई इसका शेयर 8,000, कैलकुलेट सही से किया ना, 8,000 रुपए। तो इधर लिखेंगे बाय साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8,000। आगे कहते और तो कुछ कह ही नहीं रहा, क्वेश्चन कंप्लीट। एक लाख 32। अरे ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, टू केस एक लाख 32,100 और यहां आ जाएगा बाय साइड केस कैपिटल लिखेंगे और ये आ गया 1,32,100। क्या कोई पेमेंट हुआ है इसे, एग्जीक्यूटर लोन डाल देते हैं 1,32,100। ये लो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कोई डाउट पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे, डाउट बताओ। इसने कहा आपको कि जो इसका प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं बता रहा लेकिन उसने हिंट जरूर दिया है कि सेल्स वगैरह बता दिया, तो जहां से जहां तक उसका टाइम अफेक्टेड था, जितना जॉब किया था वहां से सेल्स 4 लाख था, ठीक। पिछले साल का कितना है और परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट 20। तो मैंने क्या करा, पिछले साल किस रेट से कमाया था वो रेट निकाल लिया, रेट निकालने का फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू में 100, ये आ गया 10%। 10% के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख रुपए का 10% जो प्रॉफिट आएगा 40, वो तो तीनों का आएगा ना, तो हमने उसका शेयर निकाला जो जिसका डेथ हुआ है, तो 1/5 8,000 और पी एंड एल सस्पेंस से मैंने क्या करा, मैच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट, नोट करिए फटाफट।